हाय फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्त। मैं चिन्मय कुमार राव, वेलकम है हमारा एक्सप्लोर एजुकेशन चैनल को। मैं आज तुमको एक मज़ेदार वीडियो के साथ ले आ रहा हूँ। मैं आज तुमको मैथमेटिक्स का जो हम चुटकी में जो हम स्क्वायर निकल सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। प्लीज़ देखिए फर्स्ट लास्ट तक एंड हमारे साथ जुड़ी रहिए। अच्छा लगे तो कमेंट करिए और लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम क्या, चलिए हम उसका जो स्क्वायर है उसको हम किसी तरह निकलते हैं। फर्स्ट जो हम टू डिजिट्स का निकालेंगे, टू डिजिट्स को किसी तरह हम निकालेंगे, मैं उसका थ्री स्टेप बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप है कि ऑड नंबर्स, जो कि हम ऑड नंबर्स में उसका जो स्क्वायर होता है हम उसको निकालेंगे। फर्स्ट हम लेंगे नाइन का स्क्वायर, इसमें हम नाइन का जो स्क्वायर होता है ऑड नंबर्स हम नाइन टाइम्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह हम नाइन टाइम्स ऑड्स नंबर लेंगे, उसका हम नहीं देखेंगे, उसमें हम नाइन को देखेंगे और नाइन तरह के हम ऑड नंबर लेंगे। फर्स्ट नाइन टाइम्स का, वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सेवेंटीन, इसको एडिंग करने से हमारा आंसर निकलता है 81। तुम उसको एडिंग करके देख सकते हो, मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मैं तुमको इसी तरह की जो है वो फार्मूला और जो ट्रिक है मैं तुमको बता रहा हूँ। उसी तरह हम जितने की नंबर लेना है ले लो, लेकिन उसी तरह के ऑड नंबर लेना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम 13 का जो स्क्वायर होता है उसको भी हम ले सकते हैं, उसी तरह 13 टाइम्स का हम ऑड नंबर लेना है, उसी तरह लिख देते हैं वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवेंटीन एडिंग नाइनटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एडिंग 25, उसको एडिंग करने से आता है 169। तुम्हें इसी तरह उसका जो स्क्वायर होता है उसको हम निकल सकते हैं। देन हम सेकंड स्टेप जाते हैं। सेकंड स्टेप क्या है जिसमें हम स्क्वायर निकल सकते हैं इजी से, इजी में जो टू डिजिट का हम जो अभी बता रहे हैं कि टू डिजिट जो टू टाइम्स आता है, टू टाइम्स का हम उसका जो स्क्वायर होता है उसका हम निकल सकते हैं, वो है सेकंड स्टेप। क्या है सेकंड स्टेप है, हम जो ले रहे हैं 36 उसका जो हम स्क्वायर निकाल लेंगे उसका हम किसी तरह निकालेंगे। वो जो है हम थ्री, हम फर्स्ट उसका जो स्क्वायर है उसको लिख देते हैं, उसका स्क्वायर है 36। देन उसका स्क्वायर क्या होता है उसको लिख देते हैं, उसका स्क्वायर है 9। उसी तरह उस तीनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं करके उसको इधर से लिखते हैं, उसको ओमिट करके वो जो नंबर है उसको ओमिट करके इधर लिखते हैं 3 6 18 18 टू जा 36, उसको एडिंग करने से हमारा जो आंसर निकल जाता है, स्मार्ट आंसर क्या होता है 6 9 वो हमारा आंसर निकल गया। उसी तरह हम जो दो डिजिट का है उसको हम उसी तरह की हम उसका आंसर निकल सकते हैं, वो था स्टेप टू। देन उसी तरह के हम और एक जो नंबर लेते हैं टू फाइव, उसको भी ले के हम चेक कर देते हैं किसी तरह। फाइव का टू फाइव, उसका फोर
और तीनों को हम मिला गुना दे तो क्या होता है 10 to 20, उसको हम इधर से लग देते हैं, उसका आंसर होता है 5 to 6। देखो किसी तरह जो 2 5 का जो हमारा 2 5 का जो स्क्वायर होता है किसी तरह वो निकल आता है। प्लीज देखो, समझे। उसी तरह हम थर्ड स्टेप में 3 जो स्टेप 3 है उसको हम किसी तरह निकल सकते हैं। उसको हम जो इसमें सभी जो नंबर्स हैं उसमें तो सभी नंबर्स काम करेगा जो 2 डिजिट्स का, लेकिन इसमें जो स्पेशल नंबर होते हैं उसको हम निकल सकते हैं, जो हम इधर से उसका इस बारे में डिस्कस करेंगे। जो हम बेसिकली जो 5 कैटेगरी का जिसका वंस टाइम में जो 5 रहता है, लाइक 15, लाइक 25, लाइक 35, लाइक 45, लाइक 55, लाइक 65, वो जो नंबर्स होता है इसी तरह 95 का पास, उसको हम किसी तरह चुटकी में निकल सकते हैं उसका जो स्क्वायर, किसी तरह उसका स्क्वायर्स हम इसी तरह निकल सकते हैं। जो 5 है उसका 5 को 5 का स्क्वायर क्या होता है 2 5। देन जो 9 है 9 के बाद क्या होता है, 9 के बाद आता है 10, तो 9 को 9 के बाद जो 10 आता है 9 को हम 10 में मल्टीप्लाई करके उसमें हम इधर से लिख देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर तो क्या आता है 90। उसी तरह हम 45 लेते हैं, 45 है तो 2 5 लिख देते हैं, 5 4 का अगले में क्या है 5, 5 को 4 में मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 20, उसका आंसर यह हुआ। उसी तरह हम 2 डिजिट्स का जो 5 कैटेगरीज का नंबर है उसी तरह हम उसको उसका स्क्वायर निकल सकते हैं। देन हम 3 टाइप्स का जो 3 टाइम्स का 3 डिजिट्स का है उसका जो स्क्वायर हम किसी तरह निकल सकते हैं, अब हम तुमको बताने जा रहे हैं। हम फर्स्ट उसके लिए एक नंबर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह हम उसका एक नंबर लेना चाहिए। क्या है जो नंबर है, वो नंबर है फर्स्ट हम एक नंबर लेते हैं 2 1 2, उसका जो है उसका हम किसी तरह स्क्वायर निकलते हैं। वो हमारा जो आधार है, आधार मतलब समझे तो जो सुना आता है सुन, जो उसके जो वंस टाइम में सुना आता है उसको हम सुना कर देते हैं। वो किसके पास होता है, वो जो 212 वो किसके पास होता है, वो 200 के पास होता है। इसलिए उसको 200 करने के लिए इसमें क्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, उसमें -12 करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो उसमें उसका वैल्यू लेस करने के लिए इसमें भी एडिशन करना होता है 12। देखिए उसी तरह की, तो इसमें क्या हुआ, जो 12 है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, इसमें बगल दे दिया। देन उसने क्या हुआ 200, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसने से इसी जो संख्या है उसने से हम 12 में सब्स्ट्रक्शन किया तो 200 हुआ, इसमें एडिशन करने से क्या आता है 224। देन हम इसमें इसको हम 1 डिजिट में परिणत करने के लिए क्या करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसमें 100 डिवाइड किया जाता है। उसी तरह उसमें 100 डिवाइड किया तो क्या हुआ, सेकंड स्टेप में हुआ कि वो दोनों का जो 0 था वो कट गया, इसमें 2 2 2 4 हुआ, इसमें है इसमें जो 0 था 1.44 हुआ, इसमें जो 1 है
को इधर से एडिंग करना होता है और वो जो दोनों नंबर है उसको नेक्स्ट पॉइंट में वो लिखा जाता है। देन उसका हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 2 2 4 2 2 4। देन उसके बगल में 1 जो 4 4 है उसका लिख देते हैं। देन उसने इसमें जो पॉइंट है उसको इधर से एडिंग करने होता है। देन उसका जो स्क्वायर निकलता है वो 212 का क्या आता है 4 4, जो 4 4 है उसका लिख दिया। एंड उस वो जो 1 है उसको हम इधर से एडिंग कर देते हैं 189 4 4, ये है उसका आंसर, जो उसका स्क्वायर है वो निकल गया। उसी तरह की हम निकल सकते हैं। और एक संग जो लेना मैं चाहूँगा 488, उसका हम किधर से निकल सकते हैं, इधर का जो स्क्वायर है उसका हम निकल सकते हैं किसी तरह, इसी तरह जिस तरह के हम जो ऊपर बगल में हम जो स्क्वायर निकलता है उसी तरह के हम निकल सकते हैं। इसी तरह इसको हम राउंड आधार करने के लिए क्या होता है, वो किसके पास होता है, वो 5 जो 500 का आसपास है, इसलिए उसको 500 करेंगे। देन इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा इधर से 12 माइनस, इधर से प्लस 12 होता है। प्लस 12 क्या है, प्लस 12 है कि जो हमारा 5, और जो माइनस 12 होता है इसमें हम माइनस कर देते हैं 12 माइनस किया तो क्या आता है 4 7 6। देन नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है 12 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है 144। देन इसमें हम उसको 1 डिजिट में परिणत के लिए क्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें हम 100 डिवाइड किया जाता है, इसमें भी 100 डिवाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, दोनों कट गया, 5 × 476, इसमें बगल में लिखा है 1 1.44। देन 5 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 5 6 0 5 7 35 8 8 4 5 3। देन जो इसमें लिखा है 1.44, इधर से जो 1 है इसी तरह जाएगा तो उसका आंसर होगा 1 2 3 8 1 4 4, उसका आंसर वो निकल जाता है। उसी तरह की हम उसका स्क्वायर निकल सकते हैं। तुम इधर से एक भी सवाल पूछ सकते हो कि सर जो हम जो ये निकलते हैं हम उसको जो 4 4 7 उसका हम किधर किसी तरह निकल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट हम तुमको बताने जा रहे हैं इसी को हम किसी तरह निकल सकते हैं। वो जो है इसको हम किसी तरह इसी को हम किसी तरह जो उसका स्क्वायर है उसको हम किसी तरह निकल सकते हैं, वो हम आज इसी पॉइंट में हम तुमको बताएंगे। क्योंकि जो हम जो 478 जो हम कर रहे थे वो तो 5 का निकटतर होता है, लेकिन वो किसका निकटतर होता है, वो निकटतर होता है उसका जो स्क्वायर है उस निकटतर होता है 450। तो उसका जो स्क्वायर होता है वो उसका हम किसी तरह निकलेंगे वो उसका पास होता है, उसी तरह हम उसका स्क्वायर निकलेंगे, इसमें -3 इसमें +3 होता है, उसका स्क्वायर आता है 9 जो उसका है, जो हम ऊपर बगल में जो हम तुमको बताया था उसी तरह उसका होगा 9। देन उसको हम इधर से लिख देते हैं 450
इसमें इंटू कर देते हैं, इसको इसमें जो माइनस किया है फोर फोर और फोर। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें हम क्या करना चाहिए, इसमें हम टेन डिवाइड किया तो इसमें भी हम टेन डिवाइड किया सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इधर से मैं हंड्रेड हंड्रेड इधर से मैं भी हंड्रेड डिवाइड किया है तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो हुआ फोर पॉइंट जो फाइव निकला उसी को हम फाइव निकला उसको हम इधर से इधर लिख देते हैं फोर फोर और उसका जो हुआ जीरो पॉइंट जीरो नाइन। नेक्स्ट पॉइंट में हम समझाएंगे इसको हम जो फ्रैक्शन में बदल देते हैं क्या होता है, फाइव फोर पॉइंट टू इंटू फोर 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 जीरो पॉइंट जीरो नाइन। इसको तो इजी से कर सकते हैं, इस तरह क्या होगा एट नाइन बाई टू फोर 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 जीरो पॉइंट जीरो नाइन। इसको हम इसमें डिवाइड किया तो क्या निकलता है टू टू टू, इसको इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर नाइन टू एट नाइन टू नाइन नाइन टू नाइन टेन इसमें है जीरो जीरो नाइन, इसमें जो जीरो है इधर से आएगा तो इसमें हम उसका जो आंसर क्या निकलता है वन नाइन नाइन एट जीरो नाइन उसका आंसर वो निकल जाता है। उसी तरह हम जो स्क्वायर होता है उसी तरह हम स्क्वायर निकल सकते हैं, समझे दोस्तों। वो था जो स्क्वायर निकलने का ट्रिक, इजी सा ट्रिक, उसको फॉलो कर तो तुम अच्छा से उसका स्क्वायर निकल सकते हो। हमारा वीडियो तुमको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड टू विजिट आवर चैनल फॉर विजिट आवर चैनल थैंक यू फॉर विजिट आवर चैनल एंड लास्टली थैंक यू।